माना तो ये जाता है कि बिग बैंग थ्योरी हुई और 14 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स क्रिएट हुआ, और अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो फोटोएं दी है उसमें बहुत सी आकाश गंगाओं की आयु जो अभी अनुमानित आयु है उससे अधिक है। तो अब एक नई थ्योरी ये आ रही है कि ये परपिचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स चलता है, यानी निरंतर ब्रह्मांड का सृजन विध्वंस होता है और पैरेलल यूनिवर्स भी होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट कार्ल सेगन ने भी थ्योरी दी है, अर्थात जो हमारे यहाँ कहा गया है जासु हंस उपजय गुणथानी अगणित महामा ब्रह्मांड, अर्थात यही सनातन है, यही शाश्वत है, जो चिरंतर चलता रहता है, जिसका ना आदि है ना अंत है। और उस कॉस्मोलॉजिस्ट ने कहा, उसके शब्दों में बोल रहा हूं, ओनली द एंशियंट कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन ऑफ हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन, ये सनातन है। और अगर विस्तार में देखेंगे तो पूरब से पश्चिम तक मुझे लगता है अमेरिका में एटम बम बनाने वाले ओपेनहाइमर को यदि गीता से प्रेरणा मिली तो आप पूर्व में जाएंगे तो जापान में देवी है बेजेंटीन जो कि कमल पे विराजती हैं, हाथ में वीणा रखती हैं, गॉडेस ऑफ विजडम है, तो कहने की जरूरत नहीं है कि वो किसकी प्रतीक है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा भारत एक नया स्वरूप लेकर आज उभर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि भारत मां अंगड़ाई लेती दिव्य चेतना जाग रही और ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही।